जिले कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सोनैली बाजार में कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले कि किसानों को रवि सीजन में अत्यधिक मक्का पैदावार देने वाली किस्म को लेकर प्रखंड क्षेत्र में किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। वहीं RBM चंदन कुमार ने बताया कि MH 4210 और MH 8833 हाइब्रिड मक्का बीज के बारे में विस्तार पूर्वक से किसानों को अच्छी पैदावार देने वाले किस्मों के बीज के बारे में जानकारी दिया गया तथा साथ ही उन्होंने कहा कि अंदाज से ऊपर उम्मीद से ज्यादा कावेरी मक्का पैदावार में जबरदस्त बीज है और यह बीज का मक्का लगाने से लंबा दाना भुट्टा में दानों की संख्या ज्यादा होती है, जिसको लेकर किसानों को बीज लगाने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर TSM दिवाकर कुमार, FA शेख इमरान, अरुण कुमार इन दोनों लोगों के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के किसानों को खेती करने के लिए सुझाव दिया जाता है, जिससे मक्का की खेती करने में किसानों को आसानी हो सके, जिसमें कि 3 प्रखंडों से किसान इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रेम सिंह, शेख अयूब, अरुण यादव, मोहम्मद करीम, अशोक मंडल, गौतम सिंह आदि किसान मौजूद रहे। जी, किसान गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, किन बातों को लेकर? यहाँ पे हम लोग आज कदवा ब्लॉक अंतर्गत सनौली मार्केट में कावेरी किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हम लोग रवि मक्का से संबंधित यहाँ के उपस्थित किसान को ज़्यादा से ज़्यादा खेती में पैदावार उनका कैसे बढ़े, इसको लेकर के हम लोग किसान के बीच ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। किस प्रकार बता रहे हैं किसान को उपज के लिए? किसान को हम लोग जो हाइब्रिड का जो गुणवत्ता है, जो उनका लगाने का विधि है, उसके माध्यम से हम लोग किसान को सही दूरी लगाने का उनको ये प्रशिक्षण के माध्यम से बताते हैं कि वो अपने खेतों में हमारे इस हाइब्रिड को किस दूरी में लगाएंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। जिसको अभी बहुत सारे किसान जो खेती करने के लिए तरीका नहीं जानते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस प्रकार बताना चाहेंगे? हम लोग अभी जो है ना, हम लोग गाँव में जा करके फसल कटाई दिवस के माध्यम से वहाँ पे किसानों को एकत्रित करते हैं और पुनः हम लोग फिर वहाँ पे हम लोग किसान को बुआई से लेकर कटाई तक का संपूर्ण जानकारी किसान के बीच हम लोग उपलब्ध कराते हैं। परिचय? मेरा नाम दिवाकर कुमार शर्मा हुआ और मैं कावेरी टेरिटरी मैनेजर कटिहार कावेरी में देखता हूँ। कावेरी सीड कंपनी के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया, किन किन बातों को लेके किसानों को बताया जा रहा है? सर, आज जो है कावेरी किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें जो है 3 ब्लॉक के किसान भाई लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर मेजर जो है हम लोग कृषि से संबंधित, खासकर मक्का, क्योंकि पूरे बिहार में मक्का का खेती जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खेती है। किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा मक्का यहाँ लगाते हैं, तो हम लोग मक्का के बारे में विस्तृत जानकारी, किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले, इसके लिए सर जो है ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि नया टेक्नोलॉजी से कावेरी का 4210, कावेरी का 8833 का उपयोग करके किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करें। लगातार प्रखंड क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजन होता है? जी बिल्कुल, ये हम लोग सर जो है, यदि हम लोग बात करें तो आज 3 ब्लॉक, खासकर जो है आजमनगर, डंडखोरा, बलरामपुर से भी बहुत सारे किसान आए हुए हैं, तो ये 3 ब्लॉक से भी किसान को बुलाए हुए हैं। ये गोष्ठी हम लोग सर लगभग सभी पंचायत में करते हैं, अधिकतर गांव में भी जो है हमारे कृषि से ये दिवाकर जी हैं, जो कि अपने क्षेत्र में सभी किसानों को कावेरी के प्रोडक्ट को लाभान्वित करवाते हैं, प्रोडक्ट देके कि कैसे जो है आप टेक्निकल खेती से उत्पादन आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसमें लाभ क्या मिल रहा है किसान को? किसान को सर लाभ क्या कि किसानों के बीच अभी बहुत सारा धान मक्का है, जो कि अच्छा से अच्छा बीज उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग ट्रेनिंग माध्यम से सर किसानों के बीच अच्छा बीज कावेरी का 4210 और 8833 को लेकर के किसान को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि समय पर अच्छा प्रबंधन करके आप कैसे उत्पादन ले सकते हैं, इस पर सर हम लोग पूरी जानकारी किसानों के बीच मुहैया करवा रहे हैं। परिचय दें सर? परिचय, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मैं रीजनल बिजनेस मैनेजर पूर्णिया बैठता हूँ और एक कृषि विशेषज्ञ भी हूँ, और कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं किसानों और अपने टीम के बीच बांट के सर यहाँ पर काम करता हूँ। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में।
हॉस्पिटल जहां इमरजेंसी सुविधा आईसीयू एचडीयू ओटी डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का आईटीआई एनएच 31 सुशील नगर बेगूसराय।